ऋषियों के ऋषि, योगियों के योगी तथा संगीतज्ञों के संगीतज्ञ थे। वाल्मीकि वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने चारों वेदों की शिक्षा रामायण में निहित कर दी थी। महर्षि वाल्मीकि ने संप्रदाय और जाति से दूर सभ्य समाज की परिकल्पना दी है। योग और यज्ञ एक ही है तथा इनसे विनाश को टालने के साथ शरीर को विकार मुक्त किया जा सकता है। पुरुषार्थ से देह को ऊपर उठाया जा सकता है। जिस व्यक्ति में पुरुषार्थ होगा वह क्रियाशील, अनुशासित एवं परोपकार करने वाला व्यक्ति होगा। विश्व का निर्माता एक ही ईश्वर है। उसी एक ईश्वर को अनेक नामों से जाना और पुकारा जाता है। युवा पीढ़ी रामायण जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य पढ़कर समाज की दिशा बदल सकती है। देशभर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर शोभा यात्राओं का आयोजन भी होता है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप एवं यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है।